पूरी जिंदगी बीजेपी यही करते रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ लड़ाते हैं एक दूसरे को, लेकिन चुनाव के वक्त थोड़ा सा ज्यादा चिंगारी दिया जाता है ताकि लोगों के अंदर एक खुन्नस पैदा हो। मोदी जीतने नहीं देगा, मोदी चाल चलता है वोट के बाद, पेटी चेंज करता है, ईवीएम चेंज होता है। ईवीएम तो कांग्रेस ही लाइट है, ईवीएम कांग्रेस, लेकिन चोर नहीं है। हम ही गारंटी दे रहे हैं पेटी को चेंज कर, ईवीएम को चेंज करना, वही जो है ना मैजिक है। ईवीएम हटा देगा ना तो जादू भी नहीं चलेगा, ईवीएम जादू चल रहा है। सब जो देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सारा इंडिया को बेच दिया, सब पर छापा मारता है। बीजेपी पर क्यों नहीं मारता? नाम का फकीर है, काम का नहीं है। वैसा फकीर हम लोग भी बनना चाहेंगे जो मोदी जी फकीर है ना, वैसा फकीर हम लोग भी बनना चाहेंगे, सब बनना चाहेगा। यह है मोदी जी झोला उठाएंगे चले जाएंगे, अबर चले जाएंगे, अबर जाएंगे, होता ना एग्जिट पोल ये वो ये सब रखा रह जाएगा। आप देख लीजिएगा, वक्त आएगा सब फेल करेगा इंशाल्लाह। बीजेपी के अलावा किसी के बारे सोच नहीं सकते हैं, चाहे जो हो जाए। इसके लिए दो फेस लेके चलते हैं मोदी जी, हकीकत में मोदी जी का दो फेस है। अरे मोदी जी का सप्ताह खतरे में है, बोलते हैं हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में है। नीचे से लेके ऊपर तक, सीएम से लेके प्रधानमंत्री तक तो खुद हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ से है? न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, ये हिंदुस्तान खतरे में है, भारत खतरे में है। लोकसभा चुनावी यात्रा के दरमियान हम लोग नवादा में हैं। नवादा में पहले चरण में मतदान होना है। उम्मीदवार का जो लिस्ट है, जो नॉमिनेशन है, वह अभी हो चुका है। एनडीए से विवेक ठाकुर जी हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी से लालटेन छाप से श्रवण कुशवाहा जी हैं। तो जनता किन्हें पसंद करेगी, किनको वोट करेगी, नवादा का क्या मुद्दा होगा, इसी पर बात करेंगे। कौन सा जगह हुआ था चाहिए? अंसार नगर है, मुस्लिम एरिया है पूरा। अच्छा, तो इस बार किसके साथ हैं आप लोग? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी से हैं श्रवण कुशवाहा जी। और आरजेडी के ही एक कैंडिडेट बागी हो गए हैं, राजमल्लभ के भाई, का होगा बागी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रवण जी इस बार लीड कर रहे हैं यहाँ से, क्या क्या लगता है आप लोग को कि इस बार क्या होगा नवादा में? यहाँ तो जितना अंसार नगर में सब आरजेडी को देगा, सब लालटेन है पूरा, अब जीते या ना जीते। अच्छा, एक बात और है ना, कुछ लोग बागी हो गए हैं, अलग बागी होने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी जीतने नहीं देगा। हाँ, ये गारंटी है। ऐसा कहे बोल रहे हैं? हाँ, उसका है ये, वही रूले शुरू से है। हाँ, इस बार विवेक ठाकुर जी यहाँ से हैं। कुछ भी हो, विवेक ठाकुर हो या आरजेडी का हो, बीजेपी वाला यहाँ से उठा के ले जाके जाएगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? तो रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, मोदी चाल चलता है वोट के बाद, वोट के बाद। हाँ, वो कौन सा चाल है? चाल का पेटी चेंज करता है, ईवीएम चेंज होता है। अच्छा, ईवीएम को लेके आप एकदम? हाँ, और सब जितने भी नेता है, जितना अफसर है, सब उसी का। आप कह रहे हैं कि वोट पड़ेगा लालटेन को, लेकिन जीतेगा बीजेपी? हाँ, ये आप लोग को डाउट है? हाँ, पूरा डाउट है, तो आज से नहीं डाउट है, 2014 से हो गया। अच्छा, वो तो मान लीजिए ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी। अच्छा, ईवीएम कांग्रेस, लेकिन ये चोर नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार ये चोर नहीं है कि इधर से उधर कर दे। ईवीएम आप बोल रहे हैं, उधर भाजपा वाले कहते हैं मोदी जी का मैजिक चलता है। कुछ नहीं, वही तो मैजिक हो गया। वही मैजिक है, और वही मैजिक हो गया, वही मैजिक है। गारंटी के साथ कहते हैं, अरे मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, हम ही गारंटी दे रहे हैं ना, वही जो है ना मैजिक है। पेटी को चेंज कर, ईवीएम को चेंज करना, जादू नहीं चलेगा, फिर जादू नहीं है ये। ईवीएम हटा देगा ना तो जादू भी नहीं चलेगा, ईवीएम जादू चल रहा है। पेपर पेट में क्यों नहीं करता? ठीक है, एक मुद्दा हो गया आप लोग का ईवीएम का। दूसरे मुद्दा के लिए हम बात कर लेते हैं, तो नवादा में एक स्थानीय और एक बाहरी का भी मुद्दा चल रहा है, तो आप लोग का क्या डिमांड है? तीन बार जो है ना बाहरी आए, नवादा में कोई भी विकास नहीं किए, ठीक है। हम गिरिराज सिंह थे, जो है ना चंदा सिंह थे, लेकिन कोई काम नहीं किया नवादा में, ठीक है। अब हम लोग सोच विचार बना रहे हैं कि अब यहीं का जो है बेटा को जिताया जाए, ठीक है जी जी। श्रवण कुशवाहा, जी जी जी, उन्हीं को जो है माहौल, जी जी जी, पूरा माहौल बना हुआ है आरजेडी का, ठीक है ना। टीवी जब ऑन करिएगा ना, माहौल दिखता है 400 पार राम मंदिर, जो राम लाए हैं, हम कौन कर लाएंगे। देखिए, मीडिया जो बिकाव है, अच्छा, जो खरीद लिया है मोदी जी मीडिया को, तो वो तो मोदी ने कहा, मोदी गा रहा,
कि मोदी जी 400 पार, ठीक है ना। और जो नहीं सच्चाई तो नहीं है। और चाचा जो बोले ना अभी एबीएम वाला, वाकई एबीएम में खेला है तब है ना, जो जहाँ हारने वाला भी आता है वहाँ जीत जाता है। मोदी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर क्या हराइएगा? क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी खाली बाहर घूम रहे हैं, मोदी जी खाली बाहर घूम रहे हैं, देश को चमका रहे हैं। क्या क्या चमका रहा है? सब सब जो देश को बेच दिया, अच्छा रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जी कोर्ट बेच दिया, सारा इंडिया को बेच दिया। अच्छा और बतावे, बहुत चीज जो है आधा हिंदुस्तान तो बेच दिए, बेच रहे हैं। अब जो जीतेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान को गुलाम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही स्टार्ट की थी, उदारीकरण जब आया था वैश्वीकरण 1991 में, उस समय से डिस इन्वेस्टमेंट होता ही है, किए थे उस टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम चोरी नहीं था, अब जो है ना चोरी करने लगे उसमें। अच्छा अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप लोग क्या सोचते हैं? पहले जिस पर छापा पड़ा, जिस कंपनी पे उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और वो ईमानदार हो गया, अब जो बॉन्ड है वो बीजेपी को चला गया। हम की सब पर छापा मारता है, बीजेपी पर क्यों नहीं मारता है? ईडी वाले क्यों नहीं मारते? इसका जवाब दीजिए, आप युवा हैं, जवाब दीजिए इसका। क्या जवाब चाहते हैं? कि जो हमने सब जो है ना अदर पार्टी के ऊपर छापा मारता है, और जो आप अपने घर में छापा मारिएगा, बीजेपी घर है, आप अपने घर में छापा मारिएगा। क्यों नहीं? ईमानदार का मतलब क्या हुआ? अच्छा ईमानदार का क्या मतलब हुआ? परिवर्तन हो जाता है, चलाने वाला ईमानदार होना चाहिए, समझ गए? फकीर है, ईमानदार है, फकीर क्या रहेगा? ये नाम का फकीर है, अच्छा हाँ काम का नहीं है, ईमानदार नहीं है मोदी। नहीं वैसा फकीर हम लोग भी बनना चाहेंगे जो मोदी जी फकीर है ना, वैसा फकीर हम लोग भी बनना चाहेंगे, सब बनना चाहेगा कि हम भी फकीर है जो मोदी जी जैसा रोज फ्लैग पे घूमते रहे, वैसा फकीर हम लोग भी बनना चाहेंगे। आप लोग नहीं चाहते गरीब का बेटा पीएम बना तो वो जो है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमे? वो जो झोला वाला डायलॉग था ना वो सब दब गया है, मोदी जी झोला उठाएंगे चले जाएंगे, अबर चले जाएंगे, चले जाएंगे इस बार, अबर जाएंगे। पहले तो माहौल दिखा रहा टीवी वाला, देखिए ये जो होता है ना एग्जिट पोल, ये वो ये सब रखा रह जाएगा, आप देख लीजिएगा, वक्त आएगा सब फेल करेगा इंशाल्लाह। यहाँ नवादा में क्या होगा? नवादा में अपना कुछ सहाएंगे, कुशवाहा जी आएंगे एकदम 100%। आरजेडी के अलावा किसी के बारे सोच नहीं सकते हैं? हाँ चाहे जो हो जाए इसके लिए ओबीसी भी खड़ा कर देंगे, किसी को कुछ नहीं सकते हम, बट नहीं सकते हैं हम। अब ये भी चाहते हैं कि हम भी अब एकता होके दिखाएं, हम भी चाहते हैं कि एकता होके दिखाएं कि हमारे अंदर भी एकता जिंदा है। और है देखिए, मुस्लिम है आप लोग और मोदी जी या फिर बीजेपी ये सोचती है कि हमें मुसलमान वोट नहीं करते, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते भी हैं। दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी 16 जगह पे बिहार में खड़े हो रहे हैं, क्या मुस्लिम के वोटों पे कोई सनमारी हो दिख रही है आप लोगों को? देखिए 16 जगह से कहां कहां से खड़े हो रहे हैं वो हमें पता नहीं है। उधर किसानगंज हमारे बिहार इस तरफ आ जाइए जिधर के हम लोग क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहां के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे ये समझाइए। नहीं हमें कहना कुछ भी नहीं है, हमें कहना सिर्फ एक यही है कि हम जिसको भी दे या जो भी जिसको भी दे बस वो ये सोच के दे कि हमें एक को देना है, एक को कामयाब बनाना है, जो जीत रहा है उसको धक्का, बस उसी को हमको निकालना है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आज हम लोगों का जो ये हाल है, शिकस्ता हाल है, जो जिस नजरिए से देखा जाता है मुसलमानों को, उसकी वजह यही है कि हम आपस में बढ़ चुके हैं। अभी मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार से संस्थानिक कई लोग बोल रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है ना, कहा जा रहा है कि ऑफिशियली कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन कई लोग उस पर आरोप भी लगा रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है गरीबों के मसीहा थे, इस सबको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए जो हो चुका वो तो हो चुका, अब जो आने वाला है उसको हमको सोचना है कि अब हमको आने वाला वक्त में देश को और जनता को कैसे बचाना है, इसके लिए एकजुट होकर हमें एक को जिताना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। मोदी जी से क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ किसी मुसलमान, सवाल यह है मुसलमानों को मोदी जी से क्या तकलीफ? नहीं ये सिर्फ मीडिया वालों का एक धमकी है और मीडिया का ये एक खेल है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, मोदी जी का नजरिया अलग अलग है, ये कहा नहीं। आपके नाम पे मोदी जी जीतते हैं हिंदू मुसलमान करके 80-20 करते हैं योगी जी, समझ रहे हैं? अच्छा एक बात, मंदिर मस्जिद के नाम पे जीतते हैं। अच्छा ठीक है एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आबादी संख्या किसका है? गैर मुस्लिम का है ना जी, मुसलमान कम है ना, तो अगर हमें 50 रुपये लीटर तेल दिया जा रहा है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए या सबके लिए है? अगर हमको तकलीफ दिया जा रहा है तो किसके लिए? सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है? नहीं गांव घर में ये चलता है ना कि मुस्लिम खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है, ये सब खूब चलाता है, ये सब उसी का ये सब उसी का नारा है। पूरी जिंदगी बीजेपी यही करते रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान,
लेकिन किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा आप तो मुसलमान पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्यों? वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा और हिंदुस्तान को ही भला चाहेगा, मरना भी जीना भी सारा चीज ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान में ही रहेगा। पॉलिटिकल हो या जो भी हो या आपस की बात है, जब एक जगह पे बैठते हैं हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ लड़ाते हैं एक दूसरे को, और जो भी मीडिया सवाल करेगा ना वो ऐसा ही सवाल करेगा कि ये चीड़ से कोई ऐसा जवाब दे जिसको हम एगेंस्ट में दिखा सके या कह सके या बता सके और दुनिया को दिखा दे कि देखो उन्माद फैला रहा है। देखिए तमाम लोगों का तो यही कहना है और यही देखा भी जा रहा है कि सारा जड़ गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गांव हो या शहर हो बिल्कुल कहीं भी चले जाइए आप, आपको एकता के सिवा दूसरा चीज नहीं दिखेगा। हमारे अंसार नगर में तकरीबन 25 साल से एक हिंदू है, तेली है, समझे, और हमारे अंसार नगर के बीच मोहल्ले के अंदर आज से नहीं 25-30 साल से रह रहा है। आप उनसे पूछिए कि कभी किसी तरह कोई तकलीफ हुआ है, नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम जहाँ पे हैं हम भी सुरक्षित हैं, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं, चुनावी है, नहीं नहीं ये तो हमेशा होते रहा है, ये चुनाव के ही वक्त में नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त थोड़ा सा ज्यादा चिंगारी दिया जाता है ताकि लोगों के अंदर एक खुन्नस पैदा हो, रोजी रोटी रोजगार की बात को छिपाया जा सके। नहीं ये तो सब लोग जान रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, रोजगार हो या रोटी रोजी हो, जो भी कुछ हो ये हर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग खामोश रहते हैं, फर्क इतना ही है। लेकिन बोलने वाले कामयाब होते हैं और खामोश रहने वाले हमेशा नाकाम होते हैं। कुछ युवा से बात करें, युवाओं के तो दीवाने चहेते हैं मोदी जी, मोदी जी हमेशा हर भाषण में युवा की बात करते हैं, युवाओं का देश है, दो फेस लेके चलते हैं मोदी जी, हकीकत में मोदी जी का दो फेस है। अच्छा आप अगर मुद्दा करें जो भी, अगर करंट का मुद्दा रहेगा ना उनको डिबेट करना कैसे है, उनको कवर करके दूसरा मुद्दा लाना है, वो मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं और कभी भी फ्रंट पे आके नहीं खेलते, बैकफुट पे ही खेलते मोदी जी। अच्छा युवा को क्या दिक्कत हो गई मोदी से? मोदी जी बोले थे अगर रोजगार देंगे तो अग्निवीर तो दे दिया युवाओं के लिए, अग्निवीर से कितने आप से पूछते कितने खुश है आप अग्निवीर से जो भी बना है, आप नहीं हम हाँ। हम तो नहीं है, आपको उससे कुछ बेनिफिट दिखा है ना, हर घर से लोग जो है अग्निवीर में जाए है ना, तो उससे सेना बने अधिक लोगों को जो है मौका मिले, हो रहा था ना आवाम या पब्लिक उसी का विरोध कर रहा था ना, उसमें शायद आप भी होंगे सब भी, ऐसा नहीं वो सिर्फ मुस्लिम कमेटी या फिर कुछ नहीं, वो मिक्स है, हम आपका मुस्लिम हम आपको युवा मान रहे हैं, सबका युवा के तौर पे बताइए सबका, वो जैसे मोदी जी का मुद्दा है कुछ भी मुद्दा हो वो मुद्दा को बहुत अच्छे से वो कवर करते हैं और नया मुद्दा ला के रख देते हैं, कुछ भी अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, राम जी आ गए, राम जी आ गए, ये सब करके क्या वोट बैंक बना लिए ना वो, और मार्केटिंग कर रहे हैं राम के नाम पे, हो ही रहा मार्केटिंग, और कोई बात हो रहा जैसे आप बोले जॉब देंगे ये देंगे, इससे आपको कितना परसेंट जॉब मिला है 2014 के बाद से अभी? आप लोग को लग रहा है कि मोदी जी राम के नाम पे बैटिंग राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, राम मंदिर है इस बार, वो जो जो ढोल है हिंदू मुस्लिम का फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा जैसा लहर है, अगर मोदी का लहर नहीं है, नहीं है, नहीं है, रोजी रोटी रोजगार का लहर है, यही है क्या कहना चाहेंगे? रोजगार यहाँ कुछ के नाम पे वोट देंगे कि रोजी रोटी रोजगार के नाम, रोजी रोटी रोजगार के नाम पर वोट देंगे, समझे ना, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सब बेवकूफ बना के वोट दे रहा है, खतरे में है हिंदुस्तान, खतरे में बना रहा समझे ना, मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, मोदी जी का सत्ता खतरे में, अरे मोदी जी का सत्ता खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में, समझे ना, मोदी जी का सत्ता खतरे में, इसीलिए हिंदू मुसलमान करके वोट लेगा, खतरे में तो देश है, देश खतरे में है, मुसलमान कहाँ खतरे में, बोलते हैं हिंदू खतरे में कहाँ है, हिंदू एक बात बताइए हमको, एक चीज बताते हैं, यहाँ सांसद थे गिरिराज सिंह अभी बेगूसराय से हैं, रोज कहते हैं कि बोलते हैं हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में है, नीचे से लेके ऊपर तक सीएम से लेके प्रधानमंत्री तक तो खुद हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ से आए? आप जो यहाँ पर आए हैं भाषण देने के लिए, जाइए गली में जाइए, देखिए कि कितना गरीब को पानी नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी तो देश को चमका रहे हैं, उनका कहना है ना हर घर तक गैस दे रहे हैं, हर 5 kg राशन दे रहे हैं, अब आप लोग को क्या दे दें? अरे राशन देने से हो जाएगा, ये पहले बताइए कहाँ कहाँ रोजी रोटी है, ये पहले बताइए कहाँ रोजी रोटी कहाँ दिया, ऐसा बात बोले भी आया है मेरे घर के पास, चलिए आपको एक कतरा अगर पानी अगर आ गया तब आप बोलिए, पानी तक नहीं, नहीं जाइए आप गली में देखिए, पता कीजिए आदमी पानी पानी के लिए तरह सभी, गर्मी आ रही है, क्या होगा रोजी रोटी रोजगार का होगा या हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? यदि अगर सुनिए अगर इलेक्शन में हिंदू मुसलमान होता है तो ये न हिंदू खतरे
खतरे में, न मुसलमान खतरे में, ये हिंदुस्तान खतरे में है, भारत खतरे में है। ये हिंदू मुसलमान होने ही नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं भाई भाई आपस में। जब तक आपस में भाईचारा बना के रखेंगे ये देश सुरक्षित चलेगी, वरना ये देश खतरे में है। आप जाइए गली में जाके देखिए, पानी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। रोजी नवादा में कौन, अंतिम बार नवादा में कौन, वो कौन है, वो तो आने वाले समय में बता, अभी हम क्यों बता दें, एक मिनट अभी हम क्यों बता दें, वो तो अभी बहुत समय है। आप मत बताइए लोगों से, नवादा में क्या लग रहा आप लोग को? नवादा में कुशवाहा जीतेगा, आरजेडी। आरजेडी मतलब सरवन कुशवाहा। हाँ, सरवन कुशवाहा, सरवन कुशवाहा ही को हम लोग विजय बनाएंगे। कोई बागी पर इसके लिए जो हो जाए, किसी बागी पर भरोसा नहीं है। विनोद यादव नहीं, नहीं कुशवाहा जीतेगा, भरोसा नहीं, आरजेडी। चलिए ये लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि नवादा में इस बार क्या होगा, ये लोग किनको वोटिंग करेंगे। दो कैंडिडेट हैं, सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं, एक एनडीए से विवेक ठाकुर हैं, वहीं इंडिया से अर्थात महागठबंधन आरजेडी से सरवन कुशवाहा जी हैं। ये लोग किनको वोट करेंगे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए कि नवादा में क्या होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।